Hey guys, welcome my YouTube channel. मैं हूँ आपकी अंजू. So guys, आज हमारे पास प्रकट हुआ है एक और दिखाना डब्बा. कितना एक और डब्बा, इसके अंदर देखते हैं क्या है. तेजस अनबॉक्सिंग करेंगे. लगी रहा तुम बेटा काट लोगे. जी पहना चाकू तो लाए. मम्मा अनबॉक्सिंग करते हुए. ओ भाई ये क्या है? ये भाई ये तो तबोला है. तंबोला है. ये क्या है? इसे खोल के देखते हैं. कुकिंग के डब्बे हैं, न्यू डब्बे. सो फ्रेंड यहाँ पे एक में ये देखिए 3 पीस है. दिखाओ तीसरा. ये देखिए बड़ा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा. तो गाइस कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को. सुबह सुबह हमारे यहाँ हो रही है बारिश. ये बारिश हो रही है, तेजो हो रही है. अभी बहुत जोर से नहीं हो रही है, हो रही है बेटा. देखो बारिश हो रही है नीचे. देखो कितनी बारिश हो रही है. तेजस कह रहा नहाने जाना है, पर इतनी तेज नहीं हो रही है. लेकिन दे रहे हैं 3-4 दिन रेनी डे रहेगा, 3-4 दिन तक बारिश रहेगी. बहुत जोर से बारिश हो जाए मजा आ जाएगा. गर्मी बहुत पड़ रही है यार. सो गाइस आज बारिश का मौसम है. हमारे यहाँ झाड़ू पोछा क्लीनिंग हो चुकी है. अब हम बनाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट. ओह गाइस पवन का शुरू हो गया. तुम तो कह रहे एक्सरसाइज हो गई है, नाश्ता बना दो. और ये लैपटॉप रखा है, काम भी करते जाते हैं. गाइस हमारी किचन की भी क्लीनिंग हो चुकी है. ये पास्ता बॉईल हो रहा है. किसू व्हाइट सॉस पास्ता बनाएगा. ये फ्रेंड्स किसू सब्जी काट रहा है. मेरे को सही से काटने नहीं आती, मैं ऐसे ही काटता हूँ. प्लेट भी खराब हो जाती है, नुकसान नहीं. अबे इतना पास क्यों आ रहा है? मूवी बन रही है, रुक जा थोड़ा. और तो फ्रेंड अभी हम इस पैन को इधर दिखाएंगे. तो फ्रेंड अभी हम इस पैन को गर्म करेंगे, फिर डालेंगे इसमें रिफाइंड और फ्राई करेंगे अपनी सब्जियां. क्या क्या काटा है वो तो बता दे. सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च है. तो फ्रेंड यहाँ पे डालेंगे रिफाइंड. बट फ्रेंड यहाँ पे हम इसे डालते हैं. भाई मेरे को ऊपर से बनानी पड़ रही है, मैं जलन जाऊंगी. आराम से जूम कर लेना, पीछे से जूम करके बना ले. जूम करके बना ले. करा है वही करा. फ्रेंड इसमें भी डालनी है शिमला मिर्च. फ्रेंड यहाँ पे हमारी शिमला मिर्च बन रही है. मतलब वो व्हाइट सॉस पास्ता बन रहा है, फ्राई होने देते हैं शिमला मिर्च वाली. फ्रेंड यहाँ पे हमारी सब्जियाँ हो गई है फ्राई. फ्राई हो गई है गोल्डन ब्राउन. अब हम चलते हैं अपने पास्ता बनाने की तरफ. अभी हमें इसमें डालना है घी. घी के घी के घी घी के घी घी. मैदा कितनी चम्मच? 3 चम्मच मैदा. फ्रेंड्स अगर आपको बनाना है 3 चम्मच मैदा डालिए और उसमें पानी डाल दीजिए, हो गया, बन गया आपका पास्ता. फ्रेंड अब क्या करना है आपको? तो फ्रेंड यहाँ पे से हमें अच्छे से भून लेना है. तो फ्रेंड अब हम इसमें डालने हैं 2 ग्लास दूध. मैंने पहले 1 ग्लास डाला, थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे. थोड़ा सा दूध बढ़ गया ऊपर दूध डालना. अब हमें फिर इसमें 1 और ग्लास डालना है. 2000 years later. एंड यहाँ पे हमारा व्हाइट सॉस पास्ता बनके तैयार है. कितना बढ़िया लग रहा है. अब मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ. यहाँ पे हमारा पास्ता बनके तैयार हो गया. यहाँ पे तेजो अपना रिएक्शन दे रहा है. बहुत
सो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है। गाइस देखो कितनी जोर की बारिश हो रही है, देखो बारिश हो रही है और मैं आज बना रही हूँ आलू की कचौड़ी। गाइस देखो बारिश का नजारा, मुझे बारिश बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। पर यहाँ छोटे छोटे फ्लैटों में हम लोग नहा नहीं पाते, हम अपनी मम्मी के घर पे तो छत पे बहुत नहाते थे, बहुत मिस कर रहे हैं कि हम अपनी मम्मी के घर होते, तो आज हम नहाते बारिश में। लेकिन यहाँ बालकनी में बारिश इतनी होती नहीं है, छत का जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि छत पे इतने सारे फायदा। हाँ अपना घर लेने का ये फायदा है कि अपनी छत पे आप जाके नहा सकते हो बारिश में। नहाने के लिए कौन घर लेता है? हाँ मैं लूंगी ना, मैं लूंगी कुछ दिन बाद नहाने के लिए सिर्फ घर छत। तो वीडियोस बनाने में मन करता है, जब थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो वीडियो बनाने में भी मन करता है, अच्छा लगता है कि हमारे फ्रेंड्स 258 से 259 हुए, 260 नहीं हुए अभी तक, 260 भी नहीं हुए हैं। कोई बात नहीं, हो जाएंगे, हम मेहनत करते हैं। और आप लोग देखिए आपको कौन सा हमारा वीडियो, जितना शेयर हो सके करिए फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज फ्रेंड्स शेयर, कमेंट भी करिए। हाँ जी बारिश का देखिए मौसम, ये हम लोग पकौड़े सुबह खा चुके, कल खाए थे पकौड़े हमने। हम ऐसे में एक रील बना ली क्या, बारिश की रील तो बनती है यार। अब हम बनाते हैं अपनी एक रील। सो गाइस हमारा ब्लॉग हो गया है कम्प्लीट, हमने अनबॉक्सिंग भी की थी। मेरा पास्ता कैसा लगा कमेंट में आगे बताना। हाँ सब लोग कमेंट करते, मेरा लड़का बोलने नहीं देता, ये बीच में बोलता जरूर है। सो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बेल को ऑल पे सेट करो। कोरोना चल रहा है, अपने बच्चों को घर में रखो, बाहर मत जाने दो, मैं भी नहीं जाने देती हूँ इन लोगों को। बाय एंड टेक केयर।